नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब क्रिकेट की दुनिया के अलावा फिल्म मेकिंग में उतरने वाले हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धोनी अब तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू करने को तैयार है। इसके लिए धोनी ने संजय को नियुक्त किया है जो अभिनेता रजनीकांत के काफी करीबी हैं। इस फिल्म में साउथ एक्ट्रेस नयनतारा लीड रोल में नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की नॉर्थ ही नहीं बल्कि साउथ में भी बहुत बढ़िया फैन फॉलोइंग है। 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स की बोली जीतने के साथ ही उन्होंने साउथ के फैंस का दिल भी जीत लिया था। क्रिकेट से संन्यास ले चुके धोनी की तमिलनाडु में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और तो और फैंस उन्हें वहां थाला कहकर बुलाते हैं। इसी बीच अब बड़ी खबर ये है कि धोनी तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धोनी अभी आईपीएल में व्यस्त है और इस सीजन के बाद वो इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। फिल्म की शूटिंग भी इसी महीने शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि धोनी का तमिल फिल्म इंडस्ट्री से पहले से जुड़ाव है। क्रिकेटर की बायोपिक एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी ने साउथ के राज्यों में भी काफी अच्छी कमाई की थी, तो ये कनेक्शन धोनी का पुराना है। आपको बता दें कि नयनतारा अपनी बॉलीवुड की शूटिंग में अभी काफी बिजी है। इससे वो बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही है। इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान नजर आने वाले है। वही फिल्म को इटली डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ तमिल फिल्में भी करने जा रही हैं। हालांकि मेकर्स ने अभी उनके रोल की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, तो मतलब ये हुआ कि अब एमएस धोनी अपने फिल्मों के जरिए फैंस का दिल जीतने को तैयार है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। शुक्रिया।